नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एम प्रोफेसर वाईटी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 ऐसे कैमरा शॉट्स के बारे में जिनका यूज करके अपनी वीडियो को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं और दे सकते हैं वीडियो को एक सिनेमैटिक लुक। तो उसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो अब बात कर लेते हैं वीडियो को शूट करने के लिए डिफरेंट कैमरा शॉट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है वाइड शॉट। तो वाइड शॉट को आपके कैरेक्टर से थोड़ा दूरी से शूट किया जाता है और आपके कैरेक्टर को थोड़ा छोटा दिखाया जाता है और आसपास की लोकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इस शॉट का यूज आसपास की लोकेशन और आपके कैरेक्टर के बीच में क्या कनेक्शन है उसको दिखाने के लिए किया जाता है। तो इससे हमें आसपास की लोकेशन के बारे में थोड़ी डिटेल से मिल जाती है। बेसिकली इस शॉट का यूज वीडियो की शुरुआत में किया जाता है या फिर जब कोई न्यू सीन स्टार्ट होता है तो उस वक्त इस शॉट का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है लॉन्ग शॉट। तो इस शॉट में करेक्टर को उसके पैरों से लेकर उसके सर तक पूरा दिखाया जाता है और करेक्टर के साथ साथ वीडियो की लोकेशन भी दिखाई जाती है। तो नेक्स्ट है मीडियम शॉट। तो इस शॉट में करेक्टर को उसकी कमर से लेकर उसके सर तक पूरा दिखाया जाता है। तो इस शॉट का यूज करेक्टर की बॉडी लैंग्वेज और उसके इमोशंस को दिखाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं काउबॉय शॉट की। तो काउबॉय शॉट लॉन्ग शॉट से थोड़ा छोटा और मीडियम शॉट से थोड़ा बड़ा होता है। तो काउबॉय शॉट में करेक्टर को उसके घुटनों से लेकर उसके सर तक पूरा दिखाया जाता है। तो इस शॉट को काउबॉय शॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि पुरानी हॉलीवुड मूवीज में इस शॉट का यूज एक काउबॉय को उसकी गन के साथ दिखाने के लिए किया जाता था। अगर आपकी वीडियो में कोई करेक्टर ब्रेव है और उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है तो उसको काउबॉय शूट का यूज करके फील कराया जाता है। अगर वीडियो में कोई करेक्टर किसी हथियार को हाथ में लेकर खड़ा हो तो उस वक्त भी काउबॉय शॉट का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है टाइट शॉट। तो टाइट शॉट में करेक्टर को उसके शोल्डर्स और उसके सर के साथ दिखाया जाता है। तो इस शॉट का यूज बेसिकली डायलॉग्स के दौरान किया जाता है और जब भी करेक्टर के इमोशंस को दिखाना हो तो उस वक्त भी टाइट शॉट का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है डिटेल्ड शॉट। तो डिटेल्ड शॉट का यूज चीजों की डिटेल्स को दिखाने के लिए किया जाता है और इस शॉट को बहुत ही पास से शूट किया जाता है। डिटेल्ड शॉट का यूज करके हम करेक्टर्स के डीप इमोशंस और डीप फीलिंग्स को दिखाते हैं। डिटेल्ड शॉट के एग्जांपल्स हैं जैसे करेक्टर की फीलिंग्स को दिखाने के लिए सिर्फ उसका चेहरा दिखाना और या फिर किसी चीज को बहुत पास से दिखाना जैसे घड़ी को, किसी गन या फिर किसी चोट को बहुत ही पास से दिखाना। तो इसे डिटेल्ड शॉट कहते हैं। जब भी कोई मिस्टीरियस वीडियो बना रहे होते हैं या फिर वीडियो में डेप्थ और अटेंशन डालनी होती है तो उस वक्त ज्यादातर डिटेल शॉट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लो कैमरा एंगल। तो लो कैमरा एंगल करेक्टर के नीचे से थोड़ा उसके चेहरे की तरफ कैमरे को करके शूट किया जाता है। तो लो कैमरा एंगल का यूज करेक्टर को ब्रेव, निडर और पावरफुल दिखाने के लिए किया जाता है। तो जब भी करेक्टर को पावरफुल दिखाना हो तो उस वक्त लो कैमरा एंगल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाई कैमरा एंगल। तो हाई कैमरा एंगल एकदम उल्ट काम करता है। इसको करेक्टर से थोड़ा ऊंचाई से शूट किया जाता है। तो जब करेक्टर को वीक और डरा हुआ दिखाना हो तो उस वक्त हाई कैमरा एंगल का यूज होता है। इससे व्यूअर्स को ये फील होगा कि आपका करेक्टर वीक है और जब एक ही फ्रेम में बहुत से करेक्टर मौजूद हो तो उस वक्त भी हाई कैमरा एंगल का यूज होता है। तो नेक्स्ट है ओवर दी शोल्डर शॉट। तो जब भी करेक्टर्स एक दूसरे के सामने बैठे हो और उनके बीच डायलॉग बाजी चल रही हो तो उस वक्त ओवर दी शोल्डर शॉट का यूज किया जाता है। तो इस शॉट को करेक्टर्स के शोल्डर्स के ऊपर से शूट किया जाता है और बाकी के फ्रेम में दूसरे करेक्टर को दिखाया जाता है जिसके साथ वो बात कर रहा है। तो ओवर दी शोल्डर शॉट मूवीज या वीडियोस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शॉट है। इससे हमें ये फील होता है कि दोनों करेक्टर्स एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं और एक दूसरे को वो कैसे देख रहे हैं और उनके बीच क्या रिलेशन है। ओवर दी शोल्डर शॉट का यूज करने से हमारा सीन ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट है डच कैमरा एंगल। तो डच कैमरा एंगल में कैमरा को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाया जाता है। तो इस शॉट का यूज उस वक्त होता है जब भी हमें व्यूअर्स को ये दिखाना हो कि वीडियो में आगे कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट है POV एंगल यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू एंगल। तो इस शॉट का यूज उस वक्त किया जाता है जब हमें ये दिखाना हो कि करेक्टर किसी चीज को कैसे देख रहा है यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज को दिखाते हैं। हमारा भी एक कॉमेडी वीडियोस वाला चैनल है जिसपे हम कॉमेडी वीडियोस डालते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में मैंने जितने भी कैमरा शॉट्स बताए हैं उन सब का यूज करके आप अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। भाई मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा रिसर्च और एडिटिंग करके मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपका चैनल और आपका कंटेंट ग्रो कर सके। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कर सकते हैं ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो सके। अकेले आगे बढ़ने से अच्छा है क्यों ना साथ में आगे
आगे बढ़ा जाए। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का लिंक या चैनल का नाम मेंशन कीजिए, मैं आपकी वीडियोस जरूर देखूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि आपकी वीडियोस में क्या चीज़ अच्छी है और क्या आपकी वीडियोस में कमियां मुझे नजर आई और मैं आपको बता के आपके चैनल को ग्रो करने में मदद करूंगा आपकी। आप मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस में कौन कौन सी कमी है ताकि मैं उन सबको दूर कर सकूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में।